तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं Realme Watch 2 को Realme Watch 2 Pro के साथ। Alright, so hey, what's up everybody? This is Ajay Shinde back into the game with new video. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं Realme Watch 2 को Realme Watch 2 Pro के साथ। So दोस्तों without wasting time, let's get started. दोस्तों बात करते हैं डिस्प्ले की। तो दोस्तों Realme Watch 2 में हमें 1.4 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसका पिक्सल रेजोल्यूशन होने वाला है 320x320 का। और दोस्तों इसकी पिक्सल डेंसिटी होने वाली है 323 पिक्सल पर इंच की। और दोस्तों इसका पीक ब्राइटनेस होने वाला है 600 निट्स का। वही दोस्तों Realme Watch 2 Pro में हमें 1.75 इंच का यहाँ पे ह्यूज डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसका पिक्सल रेजोल्यूशन होने वाला है 320x385 का। और दोस्तों यहाँ पे आपको 30 फ्रेम्स पर सेकेंड का यहाँ पे रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे भी आपको 600 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलने वाला है। दोस्तों अभी बात करते हैं वॉच फेसेस की। तो दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले को कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पे आपको दोनों ही जो वॉचेस है उनमें 100 प्लस वॉच फेसेस का सपोर्ट मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों Realme Watch 2 Pro में हमें लाइव वॉच फेसेस का भी सपोर्ट मिलने वाला है। दोस्तों बात करते हैं हेल्थ फीचर्स की। तो दोस्तों दोनों ही जो वॉचेस है उनमें आपको सेम हेल्थ फीचर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपकी 24 आवर्स हार्ट रेट मॉनिटरिंग की जाएगी, SpO2 मॉनिटरिंग की जाएगी, मतलब दोस्तों ब्लड ऑक्सीजन लेवल जो है उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। यहाँ पे आपको स्लीप मॉनिटरिंग का सपोर्ट मिलने वाला है, उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको ब्रीथ मोड का भी सपोर्ट मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में स्ट्रेस मॉनिटरिंग का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। दोस्तों अभी बात करते हैं स्पोर्ट्स मोड की। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि Realme Watch 2 Pro में आपको GPS मिलने वाला है, जो कि आपको Realme Watch 2 में देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों स्पोर्ट्स मोड की बात करें तो यहाँ पे आपको दोनों ही जो स्मार्ट वॉचेस है, मतलब Watch 2 और Watch 2 Pro में आपको 90 स्पोर्ट्स मोड का सपोर्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं ओवरऑल यहां पे कि कितने स्पोर्ट्स मोड होने वाले और कौन से होने वाले हैं। रन, वॉक, क्रिकेट, योगा, आइस हॉकी, हाइकिंग, टेनिस, क्रॉसफिट, जंप रोप, मार्शल आर्ट, हैंड साइकिलिंग, गोल्फ, रेसलिंग, सिटअप, सिंगल बार, रग्बी, डार्ट्स, जिमनास्टिक, ऐसे स्पोर्ट्स मोड दोस्तों आपको इस दोनों ही वॉचेस में मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये जो स्पोर्ट्स मोड है वो वाया OTA अपडेट आपको मिलने वाले है। बात करते हैं अदर फीचर्स की। तो दोस्तों दोनों ही जो स्मार्ट वॉचेस है उनमें आप जो है म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, उसी के साथ साथ कैमरा भी कंट्रोल कर सकते हो, मतलब कैमरा का शटर कंट्रोल कर सकते हो। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आप जो है वो आपके स्मार्ट AIoT प्रोडक्ट जो है उन्हें भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, मतलब आपके वॉच से ही कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों बात करते हैं वाटर रेजिस्टेंस की। तो दोस्तों दोनों ही जो स्मार्ट वॉचेस है वो IP68 रेटेड वाटर रेजिस्टेंट होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, Realme Watch 2 भी और Realme Watch 2 Pro भी IP68 वाटर रेजिस्टेंट होने वाला है। दोस्तों बात करते हैं बैटरी की। तो दोस्तों यहाँ पे Realme Watch 2 में आपको 315 mAh की बैटरी मिलने वाली है, जो कि आपको लास्ट होगी 12 डेज तक। और दोस्तों Realme Watch 2 Pro में आपको 390 mAh की बैटरी मिलने वाली है, जो कि आपको लास्ट होगी 14 डेज तक। मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे Realme Watch 2 से ज्यादा Realme Watch 2 Pro को यहाँ पे प्रेफरेंस मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको GPS मिलने वाला है, स्क्रीन साइज अच्छी मिलने वाली है, स्क्रीन की क्वालिटी यहाँ पे अच्छी होने वाली है, उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको बैटरी भी जो है वो अच्छी खासी मिलने वाली है। तो दोस्तों आप कौन सी स्मार्ट वॉच लेना पसंद करोगे आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो। तो बस दोस्तों यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय बाय, दिस इज अजय शिंदे ओवर एंड आउट।